एसआरयू में तृतीय दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जहां राज्यपाल ने शामिल होकर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के तृतीय दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी के 18 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को चांसलर्स स्वर्ण पदक, 56 शोधार्थियों के साथ 1440 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर उपाधियां प्रदान की गई हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के माननीय कुलाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल रमेश डेका की गरिमा में उपस्थिति में रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के तृतीय दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्तकर्ता, शोधार्थी और शिक्षक गणमान्य अतिथि अभिभूत दिखे। दीक्षांत शोभा यात्रा के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुलसचिव, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद, प्रबंध मंडल एवं शासी निकाय के सदस्य, विभिन्न संकायाध्यक्ष, कुलपति, प्रतिकुलाधिपति, माननीय कुलाधिपति एवं माननीय राज्यपाल के साथ गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को प्रणाम करूं, क्योंकि एक जगह पर कहा कि सात दीप नौ खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता तो कुछ कर न सके पर गुरु करे सो होई। आज यहाँ पर जो सदगुरु की जो यूनिवर्सिटी है रावतपुरा सरकार, और मुझे तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा, तो जहाँ पर मानव जीवन के अंदर प्रेम, सद्भाव और करुणा के साथ साथ एक रूहानियत का जहाँ समावेश होता है, जो पूरी कायनात के हित और हिफाजत के लिए काम करता है, जहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा जो विज्ञान और अध्यात्म के साथ का सामंजस्य के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर के गुरु जी का जो दृष्टि है वो अद्भुत है, क्योंकि यही एक ऐसी चीजें हैं जो इंसान के जीवन में संभाव और सभी को एक सुदृष्टि देती है। और मैं निश्चित रूप से गुरु जी और यहाँ के जितने भी आदरणीय कुलपति जी हैं, डायरेक्टर जी हैं, कुलाधिपति जी हैं और आज राज्यपाल जी भी आए, ये एक खुशी की बात है। और वो ऐसे यूनिवर्सिटी में आए हैं जहाँ पर वो संदेश जो पूरी कायनात के लिए होता है, और निश्चित रूप से यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे को ऐसे गुरु का जो संरक्षण रहेगा, ऐसे भेदी और मर्मी उनके जो भी मार्गदर्शक, जो शिक्षा देने वाले महानुभाव हैं। सबसे पहले तो मैं श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ। बहुत ही कम समय में इस विश्वविद्यालय ने जो ऊंचाइयाँ छुई हैं, ऐसे कम विश्वविद्यालय होते हैं जिन्होंने कि अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, और बहुत से पैरामीटर्स पे ये विश्वविद्यालय प्रदेश में नंबर वन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में पहचाना गया है। तो इसके लिए परम पूज्य महाराज जी की जो दृष्टि है कुलाधिपति के रूप में, वो प्रशंसनीय है। तो वो और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। विद्यार्थियों के लिए ये दीक्षांत समारोह विशेष होता है, और जब वो अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण करके भविष्य के लिए यात्रा कर रहे होते हैं, वर्ल्ड ऑफ वर्क में एंटर कर रहे होते हैं, और इसलिए मेरा संदेश विद्यार्थियों के लिए यही होगा कि वे जब आगे जा रहे हैं तो अपने साथ जो शिक्षा यहाँ अर्जित की है और उसके साथ साथ परम पूज्य महर्षि के आशीर्वाद के रूप में जो मानवीय मूल्य, दया, करुणा, सौहार्द,